जी है हमारे पास एच पी लेजर 1020 प्लस का प्रिंटर है। आप जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसमें एक्चुअली गाइस इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रिंटर जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे रेड लाइट पा के खड़ा हो जाता है। ये रेड लाइट क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है, आप लोगों को मैं बताता हूँ इस वीडियो में, बने रहिए। तो चलिए एक बार मशीन को ऑन करते हैं यहाँ से। जैसे हमने दोस्तों मशीन को ऑन कर दिया, तो ऑन करने के बाद यहाँ पे एकदम रेड लाइट शो कर रहा है हमारा प्रिंटर ऑन करते ही। ये देख लीजिएगा, अभी किस कारण से रेड लाइट एरर शो हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे। तो चलिए शुरू, प्रिंटर कट देते हैं ऑफ यहाँ से। अब सबसे पहले गाइस हमें इस साइड के स्क्रू खोल लेंगे प्रिंटर के, जो इस साइड में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो हमें एक ही साइड खोलना है कि इस कार्ड से हमारे दिक्कत आ रही है, तो चलिए खोलते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रू मैंने रिमूव कर दिया है, हमें इसको यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन कर देंगे। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने इसका कवर रिमूव कर दिया, ये हमारे यहाँ पे इसका लॉजिक कार्ड, ये इशू हमारे लॉजिक, ये हमारा लॉजिक कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी लॉजिक के कार्ड के कारण हमारे इस प्रिंटर में ये इशू। तो गाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉजिक कार्ड को चेंज करके एक बार देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारा लॉजिक कार्ड है, इसको हम निकालेंगे नहीं अभी, यही बाहर हम कनेक्शन कर देते हैं दूसरे लॉजिक कार्ड पे। दूसरा कार्ड है मेरे पास ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं हो पाती है, तो बने रहा वीडियो पे। तो दोस्तों इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसकी केबल रिमूव करनी है यहाँ से कुछ इस तरह से, कि हमारी केबल निकल चुकी है। उसके बाद निकाल लेंगे हम इसका रिले वाला केबल इसका, ठीक है। अब इसको हम यहीं बाहर से सेट कर देंगे दोस्तों कुछ इस तरह से। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो में लेके आ सकूं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा है इस वीडियो में मुझे, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी दोस्तों आप लोगों के आ रहे हैं। तो अब जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे हम ये रिले वाली केबल हमने इस पर लगा दी है। तो अभी हमारा इस पर चिपक के शॉर्ट ना हो, तो इसको इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम बीच में सपोर्ट के लिए गाइस इसमें लगा देते हैं नॉर्मल पेपर कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हमें पेपर सेट कर देना है बीच में, जहाँ जिस कारण कि हमारे कार्ड इसमें अटैच ना हो। तो चलिए एक बार पावर ऑन करके दिखाता हूँ हम लोगों को, ये पावर की केबल है, मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूँ इसमें यहाँ पे। अब यहाँ से गाइस मैं मशीन को ऑन करता हूँ एक बार, देख लीजिए ध्यान से। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी लाइटिंग ग्रीन पे आ चुकी है, इसका मतलब हमारा उस जो पुराना वाला लॉजिक कार्ड है उस कार्ड में हमारी दिक्कत है। आप लोगों को दिख रहा होगा शायद यहाँ पे, एक बार ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये बंद हो गई और ये ग्रीन हो गई, इसका मतलब ये हमारा प्रिंटर अब रेडी हो चुका है। अगर आपके प्रिंटर में गाइस यही प्रॉब्लम आती है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर दूसरा कार्ड आप लोगों के पास पड़ा है तो आप उसको एक बार रिप्लेस करके चेक कर सकते हैं, अन्यथा बाकी जो दूसरा कार्ड है मेरा वो रिपेयर हो जाएगा। अभी मैंने टेस्टिंग के लिए आप लोगों के लिए दिखाया यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। एक बार फिर से इसको ऑफ करता हूँ और प्लग निकाल देना जब आप काम करेंगे इसको, तो फिर से हम इसको एक बार रिमूव करते हैं। और ये वाला भी,
अभी मैंने खुद पुराना कार्ड पे वो फिट कर दिया इसको, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे रेड लाइट एरर शो हो रहा है। कैसे लगी आप लोगों को वीडियो? इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। इस कार्ड में हमारी दिक्कत है, इस कार्ड को हम बहुत जल्दी रिपेयर कर देंगे। अभी मेरे पास फिलहाल एक कार्ड ही है तो मैं इसको लगा के इस पर रेडी कर दूंगा, बाकी कार्ड को रिपेयर करके अपने पास रख लूँगा। वैसे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे से वीडियो में लेके आ सकूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय और जय हिंद। स्वस्थ रहे और मस्त रहे।